हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स का लेक्चर फोर्थ है अपना और जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है ना न्यूमेरिकल टेक्निक्स का वो आज तक के लेक्चर में कवर हो जाएगा तो अभी तक न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हमने क्या क्या किया है बाइसेक्शन मेथड देखा हमने जिसको हम यूज करते हैं रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन रेप्सन मैथड जो था उसको भी रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं और हमने बोला था जब एरर फॉर्मूला वगैरह देखा था इनका तो हमने कहा था कि जो न्यूटन रेप्सन मेथड है ना वो बाई सेक्सन से थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है नेक्स्ट हमने देखा इंटरपोलेशन और उसमें हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस मेथड देखा एक इंटरपोलेशन में अपना रह गया था लेग्रेंजियन इंटरपोलेशन टेक्निक जो हम आज की वीडियो में देखेंगे और आज की वीडियो में हम मोस्टली क्या देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें फर्स्ट है ट्रेपेजोडल रूल सेकेंड है सिम्पसन वन थर्ड वन थर्ड रूल और थर्ड है सेमसन थ्री बाई एट रूल। तो पहले तो लेग्रेंजियन इंटरपोलेशन टेक्निक हम देख लेते हैं इंटरपोलेशन टेक्निक है मतलब जो भी इंटरवल हमें गिवन है एक्स नोट से लेके एक्स एन तक क्योंकि हमें इंटरपोलेशन में टेबुलर फॉर्म में एक्स और वाई वैल्यूज गिवन होती हैं किन्नी किन्नी पॉइंट्स पे वाई की वैल्यूज़ हमें पता होती हैं तो हम मान के चल रहे हैं कैसे कि हमें जो वैल्यूज़ पता है वो ऐसे पता है एक्स की वैल्यूज है एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स एन वाई की वैल्यू है एक्स नोट पे क्या है वाई नोट वाई वन वाई टू एंड वाई एन तो ऐसे वैल्यूज हमें गिवन होंगी इंटरपोलेशन में और हमसे पूछा जाएगा कि x नोट से लेके x एक्स एन के बीच में कोई भी x वैल्यू पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऐसे ही देखा था हमें न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में भी हमने ऐसे ही देखा था तो लेग्रेंचियन इंटरपोलेशन टेक्निक में हम क्या बोलेंगे हमने उसमें कंडीशन दी थी कि जो जो नोट एक्स वन एक्स टू और एक्स एन जो भी है हमारा ये कॉन्जुकेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए इनका सेम होना चाहिए लेग्रेंजियन इंटरपोलेशन टेक्निक में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मेथड है दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ फोर इक्वली और अनइक्वली स्पेस्ड एक्स वैल्यूज न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में हमने क्या देखा था कि ये जो डिफरेंस था वो सेम होना चाहिए मतलब इक्वली स्पेस्ड एक्स वैल्यूज होनी चाहिए इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इक्वली स्पेस्ड एक्स वैल्यू होनी चाहिए अनइक्वली स्पेस्ड एक्स वैल्यूज भी हो सकती हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है लेग्रेंजियन इंटरपोलेशन हम किसी भी एक्स वैल्यू पे वाई वाई को हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स तो किसी भी एक्स के लिए वाई की क्या वैल्यू आएगी उसका फॉर्मूला अपना होता है क्या ऐसे टेबलर फॉर्म में हमें वैल्यूज गिवन होंगे फॉर्मूला हमें लगाना है क्या एक्स नोट माइनस एक्स वन इन एक्स नोट माइनस एक्स टू इन एक्स नोट अप टू एक्स नोट माइनस एक्स एन ठीक है और नमरेटर में क्या आएगा एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू जिस पॉइंट पे हमें निकलना है ना उसमें से हम सब ट्रैक कर रहे हैं। तो अगर नीचे वाली टर्म में सब में से एक्स नोट से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x माइनस एक्स नोट वाली टर्म नहीं आएगी ऐसे आप ध्यान रख सकते हो इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री अब टू एक्स माइनस एक्स एन इंटू में क्या आ जाएगा y नोट y की वैल्यू x नोट पॉइंट पे प्लस x माइनस एक्स टू अब नीचे हम क्या करेंगे x1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सारी वैल्यूज को x1 वन माइनस एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री अप टू एक्स वन माइनस एक्स एन तो ऊपर क्या आएगा एक्स माइनस एक्स नोट आएगा एक्स माइनस एक्स वन नहीं आएगा सिर्फ एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री एंड अप टू एक्स माइनस एक्स एन में क्या आ जाएगा वाई वन ठीक है प्लस सो ऑन अप टू क्या आएगा एक्स माइनस अब लास्ट टर्म जो होगी वो क्या आएगी एक्स एन माइनस होगा एक्स एन माइनस एक्स नोट एक्स एन माइनस एक्स वन एक्स एन माइनस एक्स टू एंड एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इंटू अप टू कहाँ तक x माइनस एक्स एन माइनस वन तक ठीक है इंटू में क्या आ जाएगा वाई एन तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है और एफ एक्स की वैल्यू किसी भी एक्स पे वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं चाहे वो इन एक्स नोट से लेके कर एक्सन में एक्स लाई करना चाहिए कंडीशन ये है क्योंकि इंटरपोलेशन टेक्निक हम देख रहे हैं तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इस पे तो एग्जांपल है अपना यूजिंग लैग्रेंजेज इंटरपोलेशन फाइंड द पोलिनोम विच सेटिस्फाई द गिवन डेटा और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में भी हमने दो टाइप्स के एग्जाम्पल किए थे एक तो क्या कि किसी भी एक्स वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी वहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें गिवन होगी मान लो अगर इंटरवल हमारा जीरो टू थ्री तक का है तो पूछ लिया जाए कि एक्स इज इक्वल टू टू पे वैल्यू हमें बतानी है ठीक है या फिर एक्स की किसी भी वैल्यू पे वन पॉइंट फाइव पर पूछ लें तो उस पे वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ऐसे उसमें था और दूसरे टाइप कौन सी थी कि हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे हम x की क्या वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे x ही कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू y का जो पोलिनोमियल है x की टर्म्स में वो हमें फाइंड आउट करना है तो ये क्वेश्चन इसमें भी दो टाइप्स के क्वेश्चन ही हम कंसीडर कर सकते हैं एक तो हमसे वैल्यू पूछी जाए किसी भी एक्स कोई भी एक्स वैल्यू गिवन होगी उस पर वाई की वैल्यू पूछी जाए और एक हमसे क्या पूछा जाए पोलिनोमियल पूछा जाए ठीक है तो यहाँ पे हमें पुलनोमियल बताना है तो फॉर्मूला हमें पता है क्या आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ये हमारा क्या है एक्स नोट एक्स वन एक्स टू और ये क्या है वाई नोट वाई वन वाई टू तो फॉर्मूला क्या है एक्स नोट माइनस एक्स वन नीचे तो वो क्या आ जाएगा माइनस वन एक्स नोट माइनस एक्स टू क्या आ जाएगा माइनस थ्री और ऊपर क्या आएगा एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स नोट तो आएगा नहीं एक्स वन आएगा तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस क्या आ जाएगा थ्री ठीक है इंटू में क्या आएगा वाई नोट वाई नोट की वैल्यू क्या है टू इंटू में टू प्लस दूसरा क्या होगा एक्स वन माइनस एक्स नोट तो वन एक्स वन माइनस एक्स टू तो क्या आ जाएगा माइनस टू और ऊपर क्या आएगा एक्स माइनस एक्स नोट ज़ीरो एक्स माइनस एक्स वन तो आएगा नहीं एक्स माइनस एक्स टू तो एक्स माइनस थ्री इन टू में क्या आ जाएगा वाई वन तो वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स नोट ज़ीरो एक्स माइनस एक्स वन वन और नीचे क्या आएगा एक्स टू माइनस एक्स नोट तो कितना आएगा थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन तो क्या आएगा टू इंटू में क्या आ जाएगा वाई टू की वैल्यू क्या है सेवन तो ऐसे आप सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर में आपको एक पुलनोमियल मिलेगा ठीक है तो एफ एक्स हमें क्या मिल रहा है एक पोलोमियल मिल रहा है इसमें क्वेश्चन आपके दो टाइप्स के ही बन सकते हैं एक तो हमें x की वैल्यू गिवन हो मान लो x इज इक्वल टू टू पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम डायरेक्टली x इज इक्वल टू टू ही लेके चलेंगे यहाँ पे सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा ठीक है दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछा जाए कि स्लोप बताना है हमें स्लोप ऑफ कर्व एट एक्स इज वल टू टू या x की किसी भी वैल्यू पे एट एक्स इज इक्ल टू टू हम मान लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है dy वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है स्लोप क्या होता है dy वाई बाई डी एक्स तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पोलोमियल ही फाइंड आउट करना पड़ेगा पोलोमियल हमें क्या दे रहा है y वैल्यू दे रहा है और dy वाई बाई डी एक्स हम लेंगे इस पोलोमियल का फर्स्ट डेरिवेटिव और उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इज इक्ल टू टू किसी भी पॉइंट पे जिस पे स्लोप पूछा गया है ठीक है तो डीवाई बाई डी एक्स एट एक्स इज ईक्ल टू टू हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व आ जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किस टाइप का इंटीग्रल आपसे पूछा जाएगा इंटीग्रल ए टू बी एफ ओफ एक्स डी एक्स तो ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना है और आपसे क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि यूजिंग ट्रेपेजोडल रूल आपको सोल्व करना है यूजिंग सिम्सन वन थर्ड रूल आपको सोल्व करना है या यूजिंग सिम्सन थ्री बाई एट्स रूल आपको सोल्व करना है तो वो रूल हमारा क्या है वो हम देखेंगे और उसी की हेल्प से हम सोल्व करेंगे तो जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है वो कैसे सोल्व किए जाते हैं उसका फर्स्ट स्टेप क्या है जो कॉमन है तीनों रूल में वो क्या है कि सबसे पहले तो हम डिवाइड करते हैं जो इंटरवल हमें गिवन है ना उसको हम डिवाइड करते हैं इंटरवल क्या है ए टू बी ठीक है डिवाइड द इंटरवल ए बी एन टू एन एन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ एन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो उसकी विर्थ क्या हो जाएगी जो इंटरवल है हमारा सब इंटरवल जो हमारे बनेंगे उनकी विर्थ क्या बनेगी विर्थ ऑफ सब इंटरवल उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे एच से वो क्या बनेगी बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन ठीक है तो ये अपनी इंटरवल है ए टू बी एक्स की ये वैल्यू है इसको हम क्या मान लेंगे एक्स नोट मान लेंगे और ये जो लास्ट वैल्यू है इसको हम क्या मान लेंगे एक्स एन मान लेंगे ठीक है तो ये जो इंटरवल है इसको हम स्मॉल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ तो कैसे आएगा बी माइनस ए बाई एन तो मतलब जो सेकंड ये जो एक्स नोट है एक्स वन वैल्यू होगी वो क्या आएगी एक्स नोट प्लस एच आएगी दूसरी जो वैल्यू है वो क्या आएगी एक्स नोट प्लस टू एच और तीसरी वैल्यू क्या आएगी एक्स नोट प्लस थ्री एच ये जो इंटरवल है वो क्या होने चाहिए इक्वल वेट के होने चाहिए तो जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एक्स नोट प्लस एन एच आएगी और उसको हम क्या बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं ठीक है तो ऐसे हम डिवाइड करेंगे आप इनका डिफरेंस अगर निकालोगे एक्स नोट प्लस एच माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई क्या है एक इंटरवल है ये तो डिवाइडेड बाई वन आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है एच ही आ रही है ठीक है तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है ये जो इंटरवल हमें गिवन है उसको एन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में सेकेंड स्टेप क्या होगा कि अब हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यूज हैं वो कैसे हैं एक्स नोट वो किसके इक्वल है ए के इक्वल है एक्स नोट प्लस एच जो है वो एक्स वन है एक्स टू की वैल्यू क्या है एक्स नोट प्लस टू एच एंड सो ऑन अप टू एक्स नोट प्लस एन एच तो ये वैल्यू क्या है एक्स एन की है एक्स टू की है एक्स नोट की है तो ऐसे ही ये जो पॉइंट्स हैं हमारे इंटरवल की जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं हमारे उन पे हम क्या करेंगे वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो हम मान लेते हैं इस पर वाई की वैल्यू क्या है वाई नोट वाई वन वाई टू एंड सो ऑन वाई एन तो ऐसे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी और ये हमें निकालनी है कि जो भी पॉइंट्स आएंगे हमें गिवन होगा जो वाई हमारा क्या है एफ एक्स है तो एफ ओफ एक्स जो फंक्शन है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और उसमें X नो ये जो वैल्यूज हैं एक्स की वैल्यूज हैं वो पुट करके हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो क्वेश्चन से हम देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ट्रेपेजोडल रूल ट्रेपेजडल रूल जो है वो कब अप्लीकेबल होता है क्या उसका फॉर्मूला होता है कैसे उससे हम एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ठीक है इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ट्रेपेजोइडल रूल कब अप्लीकेबल है जब एन की कोई भी वैल्यू कितने भी सब इंटरवल्स में हम इस इंटरवल को डिवाइड करें मैटर नहीं करता चाहे हम दो इंटरवल रखें चाहे तीन रखें चाहे चार रखें कोई भी एन वैल्यू हो ठीक है लेकिन एन टू तो होना ही चाहिए क्योंकि इंटरवल एक है उसको कम से कम दो में तो हम डिवाइड करेंगे तो जो ट्रेपेजोडल रूल है वो एन की किसी भी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है तो हम क्या बोलेंगे दिस रूल इज एप्लीकेबल और एन क्या है हमारा एप्लीकेबल फॉर नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ठीक है कोई भी एन वैल्यू हो उसके लिए हमारा क्या है एप्लीकेबल है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कैसे हम निकालेंगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एच बाई टू वाई नोट प्लस वाई एन ये जो एक्स नोट इज इक्वल टू ए है हमारा ये क्या है फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट एंट्री या फिर हम इसको क्या बोलें लोअर लिमिट इंटीग्रल की क्या है लोअर लिमिट है है ना और जो एक्स एन है हमारा वो एक्स एन इज़ इक्वल टू बी है ये हमारे क्या है लास्ट एंट्री है या फिर हम इसको क्या बोलें अपर लिमिट है जो इंटीग्रल की लिमिट हमें गिवन है उनमें जो अपर लिमिट है वो हमारी क्या है लास्ट एंट्री है तो हमें क्या करना है वाई नोट जो फर्स्ट एंट्री के कोर्सपोन्ड y की वैल्यू है प्लस वाई एन और जो बाकी बीच के जो वैल्यूज हैं y1 y2 y3 प्लस y1 y2 y3 अप टू वाई एन माइनस वन ठीक है इनसे हम क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फॉर्मूला आता है यही हमारा क्या है ट्रेपेजोइडल रूल है तो ये वैल्यूज हम निकाल लेंगे हमने बोला और ये वैल्यूज हमें जब इस फॉर्मूले में बुट करते हैं तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आती है ठीक है अब हम देखते हैं कि एरर क्या कितनी है इस फॉर्मूले में तो एरर हम निकाल लें तो हम क्या बोलेंगे बी माइनस ए इंटू में क्या आएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू एफ डबल डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमें देखनी है जिस भी एक्स वैल्यू के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना उसका हम क्या लेंगे मोड लेंगे मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम उसकी कंसिडर करेंगे या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एरर लेस देन इक्वल क्या होगा बी माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू में ट्वेल्व एफ डबल डैस एक्स मैक्सिमम ये हमने कैसे लिखा क्योंकि यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा b माइनस ए जो है वो किसके इक्वल है n इंटू एच के इक्वल है ठीक है तो एच स्क्वायर यहाँ पे था अगर एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करते हैं तो यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा एन स्क्वायर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं b माइनस ए का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इन मिट ट्वेल्व तो ये फॉर्मूले हो सकते हैं ठीक है तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ट्रेपेजोडल रूल पे जो सी एस आई आर नेट टू थाउजेंड सेवेंटीन में आया था द इंटरवल जीरो टू वन इज़ डिवाइडेड इन टू एन पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रल यूजिंग ट्रेपेजोडल रूल तो मिनिमम नंबर ऑफ एन बताना है हमें फॉर विच दिस रिजल्ट इज एग्जैक्ट तो ये रिजल्ट की एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल रिजल्ट आए ट्रेपेजोयडल रूल से जब हम निकालें तो वो किस एन वैल्यू के लिए आएगा ठीक है ये हमें बताना है तो सबसे पहले तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम देखें इसकी तो क्या आएगी ज़ीरो टू वन ई रेज टू पार आइटा टू पाई एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आएगा ई रेज टू पार आइटा टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई आइटा टू पाई लिमिट हम पुट करेंगे जीरो टू वन तो लिमिट अगर वन हम पुट करते हैं वन अपॉन आर्टा टू पाई तो कॉमन आ गया वन हम पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर आर्टा टू पाई तो उसको हम कैसे लिखेंगे कोस टू पाई प्लस आरटा साइन टू पाई तो कोस टू पाई पे वैल्यू क्या होती है वन साइन टू पाई पे ज़ीरो होती है तो ज़ीरो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट ई रेज टू पावर ज़ीरो भी क्या होता है वन तो जो एग्जैक्ट रिजल्ट है इस इंटीग्रल का उसकी वैल्यू क्या है ज़ीरो तो ट्रेपेजल रूल से जब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी ज़ीरो आनी चाहिए और वो किस एन वैल्यू के लिए आएगी वो मिनिमम एन वैल्यू हमें बतानी है तो ऑप्शन से ही हम चेक करेंगे तो ऑप्शन में जो मिनिमम एन वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है टू गिवन है तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि फॉर एन इज़ इक्वल टू टू सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो दो इंटरवल्स में हम डिवाइड कर रहे हैं तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन तो वन बाई टू वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे x की टेबल बनाएंगे तो x नोट की वैल्यू क्या है जीरो x नोट प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी x1 की वैल्यू क्या आएगी वन बाई टू और x2 की वैल्यू क्या आएगी वन आ जाएगी ठीक है तो ये हमारे पास वैल्यू है x नोट x1 x2 की कोरेस्पोंडिंग तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी e रेस टू पावर आइटा टू पाई एक्स में वैल्यू पुट करेंगे तो e रेस टू पावर जीरो करते हैं तो e रेस टू पावर बचेगा तो cos pi पे वैल्यू होती है माइनस वन साइन पाई पे वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो वन अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वन ही आएगी ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो गया वाई नोट वाई वन एंड वाई टू ठीक है तो जो ट्रेपेजोडल रूल है वो हमारा क्या कहता है कि इंटीग्रेशन जीरो टू वन ई रेज टू पार आइटा टू पाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होगा एच बाई टू एच की वैल्यू क्या है वन बाई टू तो क्या आ जाएगा वन बाई फोर इंटू में वाई नोट प्लस लास्ट एंट्री जो है तो वाई नोट प्लस वाई टू तो वैल्यू क्या टू प्लस टू इंटू में वाई वन तो वाई वन की वैल्यू है माइनस वन तो अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है जीरो मिल रही है जो कि क्या है एग्जैक्ट रिजल्ट है तो एग्जैक्ट रिजल्ट के इक्वल वैल्यू हमें मिल रही है ट्रेपेजोडल रूल से फॉर एन इज इक्वल टू टू तो जो ए ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो नेक्स्ट रूल है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सोल्व करने का वो क्या है सिम्पसन वन थर्ड रूल तो इसमें भी हम ऐसे ही सोल्व करने वाले हैं सबसे पहले तो यही स्टेप हमें फॉलो करने हैं कि डिवाइड करेंगे इंटरवल को एन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ट्रेपेजल रूल में हमने क्या बोला कि एन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो थे वो कितने भी नंबर हो सकते हैं एन की कोई भी वैल्यूज हो सकती है लेकिन यहाँ पे कंडीशन है सिम्सन वन थर्ड रूल के लिए ये तभी एप्लीकेबल होगा दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फोर ओनली फोर इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के लिए ही ये अप्लीकेबल होगा मतलब जो एन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए टू फोर सिक्स एट इस टाइप से होनी चाहिए मतलब टू के मल्टीपल में होनी चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एन जो है वो इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में जो गिवन इंटरवल है उसको हम डिवाइड करेंगे विथ्थ हम ऐसे ही निकालेंगे जो एक्स और वाई की जो ये टेबलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है उसको हम ऐसे ही करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन को सोल्व करने का ए टू बी एफ ओफ एक्स डी एक्स उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एच बाई थ्री सिम्सन वन थर्ड है तो यहाँ पे वन बाई थ्री आप ध्यान रखो मल्टीप्लाई में क्या होगा वाई नोट प्लस वाई एन फर्स्ट एंट्री प्लस लास्ट एंट्री प्लस फोर टाइम्स वाई वन प्लस वाई थ्री जो ओड हैं वो हमारे आएंगे प्लस वाई फाइव अप टू वाई एन माइनस वन ठीक है प्लस टू इंटू में क्या आएगा जो बाकी टर्म्स बच गई हमारी इवन टर्म्स वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई एन माइनस टू जो कि इवन टर्म्स है ठीक है क्योंकि हम इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है वाई नोट वाई वन वाई टू अगर इवन की हम बात कर रहे हैं दो इंटरवल में अगर हमने डिवाइड किया मान लो ए तो ए टू तो बी हमारा इंटरवल था हमने दो इंटरवल में डिवाइड किया है या फिर हम बोले चार इंटरवल में हमने डिवाइड किया है एक दो तीन और चार तो ये वैल्यू होगी x नोट x1, वन x3 टू थ्री और लास्ट जो वैल्यू होगी ना वो हमारी क्या होगी इवन होगी अगर हम इवन इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं तो तो ये वैल्यू ईवन होगी ठीक है और यहाँ पे ओड वैल्यूज हम ले रहे हैं तो वाई एन माइनस वन जो वाई एन से पहले वैल्यू है वो क्या होगी ओड होगी और यहाँ पर ईवन वैल्यूज हम ले रहे हैं तो वाई एन माइनस टू क्या होगी ईवन होगी ठीक है तो एन एक्स की ईवन वैल्यू के लिए वाई एन माइनस टू होगी तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एच बाई थ्री वाई नोट प्लस वाई एन फर्स्ट एंट्री प्लस लास्ट एंट्री फोर इंटू में जो ओड टर्म्स हैं वो प्लस टू इंटू में जो इवन टर्म्स है वो तो इसका एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरर हम कैसे निकालेंगे एरर जो है वो लेस देन इक्वल होगी बी माइनस ए इंटू में एच रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाय वन एटी इंटू में एफ़ का कितने टाइम्स डेरिवेटिव फोर टाइम्स डेरिवेटिव एक्स और किस पे मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे ठीक है मोडलेस हम लेंगे उसका या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो b माइनस ए रेज टू पावर कितना हो जाएगा फाइव फोर यहाँ से आएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा वन एट्टी इंटू में n रेज टू पावर फोर और f फोर टाइम्स डेरिवेटिव एफ एक्स का एट मैक्सिमम वैल्यू तो ऐसे एरर हम निकाल लेंगे तो नेक्स्ट रूल है अपना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सोल्व करने का वो क्या है सिम्सन थ्री बाई एट थ्रूल तो ये रूल कब एप्लीकेबल होगा जब एन हमारा क्या होगा मल्टीपल ऑफ थ्री होगा ठीक है सिम्पन वन थर्ड रूल में हमने क्या बोला कि एन क्या होना चाहिए जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं वो क्या होने चाहिए इवन नंबर होने चाहिए ट्रेपेजल के लिए कोई भी कंडीशन नहीं थी हर एक एन वैल्यू के लिए वो एप्लीकेबल है तो दिस रूल इज एप्लीकेबल this rule is applicable if only if number of sub intervals number of sub intervals ko hum kis se likh rahe hain n se likh rahe hain are multiple of 3 मतलब अगर n जो है हमारा वो इस type से हो थ्री सिक्स नाइन अगर ये values हैं तो सिम्सन वन थ्री बाई एट थ्रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं तो मेथड तो यही रहेगा सोल्व करने का कि जो ए बी इंटरवल हमें गिवन है उसको सब इंटरवल्स में हम डिवाइड करेंगे एन की कौन सी वैल्यू कंसीडर करके मल्टीपल ऑफ थ्री जो वैल्यूज़ हैं वो कंसीडर करके एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स एन जो टेबुलर फॉर्म है उसके कोरस्पोंडिंग वाई नोट वाई वन वाई टू वाई एन ये वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए टू बी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स क्या आएगा थ्री बाई एट रूल है तो थ्री बाई एट आप ध्यान रखो यहाँ पे इंटू में क्या आएगा एच इंटू क्या आएगा वाई नोट प्लस वाई एन जो फर्स्ट टर्म है वो तीनों रूल्स में ही सेम है प्लस क्या आएगा थ्री इंटू में वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा वाई फोर एंड कहाँ तक वैल्यू जाएंगी वो भी हम देखेंगे पहले क्या देखेंगे प्लस टू इंटू में वाई थ्री जो थ्री के मल्टीपल के कोरस्पोंडिंग जो वाई की वैल्यूज है ना वो हम लेंगे तो वाई थ्री प्लस वाई सिक्स प्लस वाई नाइन और लास्ट में क्या आएगा वाई एन माइनस थ्री तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा वाई एन माइनस टू प्लस वाई एन माइनस वन ठीक है तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कैसे हमने लिया है मान लो हमने सिक्स इंटरवल में डिवाइड कर दिया ए बी को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी एक्स सिक्स होगी और इसके कोरस्पॉन्ड वाई की वैल्यू क्या होगी वाई सिक्स होगी ठीक है तो हमने क्या किया फर्स्ट जो वैल्यू है फर्स्ट एंट्री प्लस लास्ट एंट्री वाई सिक्स और थ्री के साथ हमने क्या कंसिडर करनी है पहले टू वाली देख लो टू के मल्टीपल में हमने कौन कौन सी टर्म्स लेनी है जो थ्री के मल्टीपल टर्म्स हैं लास्ट में हमने क्या लिखा है लास्ट टर्म क्या होगी वाई एन माइनस थ्री होगी तो अगर वाई एन माइनस थ्री हम करते हैं वाई एन माइनस वन करेंगे वाई फाइव आएगा फोर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा एन माइनस थ्री करने पे वाई एन माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री तो वैल्यू क्या आएगी वाई थ्री आएगी तो यहाँ पे थ्री के मल्टीपल्स वाली टर्म आएंगी वाई एन माइनस टू फोर और फाइव जो है वो हमारी थ्री के मल्टीपल में आएंगी तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सिम्पसन थ्री बाई एट थ्रूल का और इसका एरर का फॉर्मूला क्या होता है एरर हम निकालते हैं वो क्या आता है लेस देन इक्वल वन अपॉन सिक्स फोर एट जीरो इन एच रेज टू पावर फाइव फोर टाइम्स डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट x एक्स के रेस्पेक्ट में और उसकी क्या लेंगे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ठीक है तो ये एरर का फॉर्मूला हो जाएगा एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सिम्सन वन थर्ड रूल पे जो दिसंबर 2015 में आया था तो एग्जाम्पल है अपना द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इवेलुएटेड यूजिंग सिम्सन वन बाई थर्ड रूल विद एच इज इक्वल टू टू तो यहाँ पे एच की वैल्यू हमें गिवन है वो क्या है टू है और एच क्या होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन तो हमें एन नंबर ऑफ जो सब इंटरवल्स हैं वो पता चल जाएंगे तो बी माइनस ए तो हमें पता है क्या है एट डिवाइडेड बाई एन किसके इक्वल है टू तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से फोर आ जाएगी तो हमने देखा था कि सिम्सन वन बाई थर्ड रूल जब अप्लीकेबल होता है जब एन क्या होता है ई नंबर होता है ठीक है तो यहाँ पे ईवन नंबर ही हमें दिख रहा है तो हम वैल्यू निकालेंगे इस इंटीग्रल की वो क्या आएगी ज़ीरो टू एट वन अपॉन एक्सक्र प्लस फाइव सबसे पहले तो हमें क्या करना है ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले तो हमारे पास इंटरवल कितने हो गए चार हो गए नंबर ऑफ इंटरवल्स तो नोट की वैल्यू क्या है जीरो एक्स नोट प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी एच की वैल्यू टू है तो टू आएगी फोर सिक्स एट चार इंटरवल हो गए वाई की वैल्यूज़ क्या आएगी वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है ज़ीरो तो वन बाई फाइव x की वैल्यू अगर टू लेते हैं तो क्या आएगा फोर प्लस फाइव नाइन वन बाई नाइन फोर लेंगे तो सिक्सटीन प्लस फाइव वन बाई ट्वेंटी वन और सिक्स लेंगे तो थर्टी सिक्स प्लस फाइव वन बाई फोर्टी वन एट लेंगे तो सिक्सटी फोर प्लस फाइव वन बाई सिक्सटी नाइन तो ऐसे y की वैल्यूज हमारे पास आ गई तो इंटीग्रेशन अब हम फाइंड आउट करेंगे ज़ीरो टू एट वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू डी एक्स तो सिमसन वन बाई थर्ड रूल का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई थ्री एच की वैल्यू कितनी है टू तो एच की वैल्यू रख देंगे कितनी टू बाई थ्री इंटू में क्या आएगा वाई नोट यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर ठीक है तो वाई नोट प्लस वाई एन वन बाई फाइव प्लस वन बाई सिक्सटी नाइन प्लस फोर इंटू में और जो नंबर है x1 वन प्लस एक्स थ्री तो वन बाई नाइन प्लस वन बाई फोर्टी वन प्लस टू इंटू में क्या आ जाएगा y2 टू आ जाएगा वन बाई ट्वेंटी वन तो इसको जब आप सोल करोगे कैलकुलेटर आपको गिवन होगा एग्जाम में स्क्रीन पे तो इसको जब आप सोल करते हो तो इसकी वैल्यू आपकी आती है जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो ऐसे आती है तो जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है और आई होप आपको समझ भी आया होगा तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में